स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर वर्मा, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि अपने मोबाइल को बोल्ट फोन को अप्लाई करें और रीस्टार्ट करना 5 मिनट में ना भूलें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल सुधीर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप अपने मोबाइल के लिए कस्टम रोम बहुत नॉर्मली इजीली डाउनलोड करके कैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको एक ऐप का नाम बताता हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप ऐप को डाउनलोड करके नॉर्मली आप उसे कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको आपके मोबाइल के लिए बहुत सारे रोम मिल जाएंगे। दोस्तों आपको चुनना नहीं है, इसमें से आपको आपके मोबाइल के लिए रोम खुद ही चुना मिल जाएगा। इसमें से आपको एक रोम चूज करके नॉर्मली उसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आप हमसे बने रहना चाहते हैं, दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ अपडेट कर रहने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, फेसबुक पेज को या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहां पर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम को कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली जवाब देता रहूँगा। तो दोस्तों इसमें इस ऐप में आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको चूज कर लेना है, इसमें बहुत सारे आपको रोम मिल जाएंगे, उसमें से चूज करना है दोस्तों एक रोम। उस रोम को चूज करके मैंने माना कि MIUI 7 या फिर कलर OS को चूज करते हैं, तो मैं क्लिक करूंगा कलर OS पे। तो दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा इसमें किस क्या क्या फीचर है, किस तरीके का इस इंटरफ्रेंस होगा खुलने पर। तो दोस्तों इस फीचर की बात कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज वर्किंग, सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा, गैप्स इंक्लूडेड, इसमें आपको एक गैप्स का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ऑल कस्टम रोम आर सपोर्टेड स्टेबल, सब कुछ आपके मोबाइल के लिए सब कुछ स्टेबल है। दोस्तों ये जो रोम मिलेगा आपको अपने मोबाइल के लिए मिलेगा, मैंने अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड किया है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सबसे पहले गो टू TWRP पे जाना है, सेकेंड स्टेप है वाइप कैच, उस थर्ड स्टेप है फ्लैश रोम, एंड फोर्थ स्टेप है रिबूट कर देना अपने मोबाइल को। और रिबूट करने के बाद आपके मोबाइल का इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इसको कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेरेंस मिल जाएगा जो आपके मोबाइल का लुक बिल्कुल 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 बदल देगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद है ये रोम तो आप यहाँ से डाउनलोड नॉर्मली कर सकते हैं, कलर OS इस रोम का नाम है, और आपको कोई और रोम पसंद हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, MIUI 7 फीचर मिल जाएगा, इंस्टॉल किस तरीके से करना वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पर किस तरीके से दिखेगा वो भी दिख जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप नॉर्मली इस ऐप को डाउनलोड करके, आप रोम को डाउनलोड करके अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।